देखिए, कायदा ये कहता है कि नवरात्रि के 9 दिन के बाद जो 10वां दिन आता है उसको विजयादशमी कहा जाता है। इस बार विजयादशमी 24 अक्टूबर को आ रही है। कुछ स्थानों पर पंचांग की गड़बड़ी हो सकती है। यहाँ पर महाकाल प्रबंध समिति में ग्वालियर स्टेट के पंचांग को देख करके गणना की जाती है। उनका ऐसा कहना है कि उनके आधार पर 23 तारीख को उनकी सवारी का क्रम बनता है, नवमी का दशमी का क्रम बनता है। यहाँ पर यदि तिथि की गणना करें तो 23 तारीख की शाम 5:45 बजे तक नौमी तिथि रहेगी। दशहरा 6 बजे के आसपास लगेगा। यदि शास्त्रीय गणना की हम बात करें, तिथि व्रत की हम बात करें या तिथि निर्णय की हम बात करें, तो यहाँ पर दशहरा की जो संज्ञा है वो उदयकाल की होती है। अस्तकाल की संज्ञा मान्य नहीं है। क्यों? क्योंकि दिन भर पर्यंत इस संज्ञा का अलग अलग प्रकार का भेद बताया है। इन 15 मुहूर्त दिन के माने जाते हैं। 15 में से 10 मुहूर्त भी दिन में यदि लगते हैं तो उसको ग्राह्य करना चाहिए, ऐसा तिथि निर्णय का शास्त्र कहता है। इस दृष्टिकोण से दशहरा जो है 24 अक्टूबर को मनेगा। रही बात ग्वालियर स्टेट के पंचांग की, तो वहाँ की उनकी गणना हो सकती है, किंतु सभी पंचांगों में, भारत के जो मुख्य मुख्य पंचांग हैं, शताब्दी पंचांग है, निर्णय सागर पंचांग है, आदि पंचांगों में 24 अक्टूबर को ही दशहरा की संज्ञा दी गई है।